नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ते सिविल कॉन्ट्रैक्ट में। दोस्तों, आज मैं आपको एक जो बिल्डिंग का हमारा रेट होता है उसके बारे में हम बात करेंगे कि ठेकेदार कौन सी रेट में काम करना चाहिए और कितनी रेट लेनी चाहिए और कितने रेट में आपको बिल्डिंग के अंदर क्या क्या काम करना चाहिए। तो ये हम दो तीन पॉइंट हैं, इस पर हम बात करेंगे कि आपको किस तरीके से काम करना चाहिए। दोस्तों, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था, एक इंजीनियर साहब थे, उन्होंने ये वीडियो बना दिया था, उसके अंदर ये चीज़ें बताई हुई है कि आप इतने काम इसके अंदर आपको ठेकेदारों को करना चाहिए क्योंकि वो काम खुद तो करता नहीं है और लोगों को इस तरीके से बातें बता करके बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं और हमारे जो नए कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो भी भ्रमित हो जाते हैं। उनको इस तरीके से ज़रूर दिमाग में फील हो जाता है कि यार ये कह रहा है तो इसका मतलब ये ज़रूरी होता है कि ये काम करते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं है। अब मैं आपको इन बातों को अपने तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपको बिल्डिंग के अंदर कौन कौन से काम करने चाहिए और क्या रेट लेना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस बात पर डिस्कस करेंगे कि हमें जब बिल्डिंग का काम करते हैं तो पहला पॉइंट तो आपको ये रखना चाहिए कि आपको कोशिश करें आपकी 99% आप कवर्ड एरिया में या स्क्वायर फिट एरिया जो काम करते हैं लोग बाग, तो उसमें आप ना करें क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है क्योंकि इसके अंदर बचत नहीं होती है। और इसके अंदर बचत हो भी जाती है तो इसका मतलब एक और प्रॉब्लम आती है कि ठेकेदार हर रोज़ वही प्रॉब्लम से जूझता है। मालिक आता है कि ये काम भी इसके अंदर था, ये भी काम इसके अंदर है, ये भी कर दो, वो भी कर दो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक मेन प्रॉब्लम ये आती है कि ये कमरा छोटा हो गया, इसको आप यहाँ से दीवार तोड़ के यहाँ लगा दो। अब एक बात बताइए, जब दीवार तोड़ोगे उसकी लेबर लगेगी, आपकी पहले दीवार लगाई थी उसकी लेबर लग गई, अब दूसरी जगह जब उस दीवार को लगाओगे तो उसकी भी लेबर लग, तीन बार में ये काम करते हो तो आपको नुकसान होना स्वाभाविक है। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट तो आप यही रखें कि 99% चांस ये रखें कि आपको बिल्कुल भी आपको कवर्ड एरिया या स्क्वायर फिट एरिया में काम नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, आप कहोगे कि यार बहुत सारे लोग करते हैं तो उनके तो क्यों नहीं घाटा होता। अब मैं सबसे एक बड़ी बात बता रहा हूं आपको, आप इस चीज़ को समझ भी सकते हो और आपको इस चीज़ का थोड़ा सा नॉलेज भी होगा। तो दोस्तों, जो लोग इस काम को करते हैं कवर्ड एरिया में या स्क्वायर फिट में, तो वो आदमी कौन होते हैं? पहला पॉइंट वो होता है एक मिस्त्री, वो ठेकेदार नहीं होगा। और मालिक इस बात को जानता है कि ठेकेदार से जो ठेकेदार है वो अपना प्रॉफिट लेता है, इसलिए छोटे जो आदमी होते हैं जैसे कच्ची कॉलोनियों में काम करते हैं तो वो उन लोगों को ठेकेदारों को काम नहीं देता। अगर ठेकेदार काम ले लेगा तो उसमें ठेकेदार को घाटा ही पड़ेगा। अब मिस्त्री लोग क्या करते हैं, वो अपने हिसाब से जोड़ तोड़ करके लगा लेते हैं कि इतना पैसा हमारा बच जाएगा। अब क्यों? एक तो वो खुद काम करने वाला हो गया, अगर उसको 500 की जगह 700 रुपये भी अगर बचते हैं, उसकी दिहाड़ी मिल जाती है, तो उसको कोई घाटा नहीं है। दूसरा पॉइंट उनके लिए, उनका एक दो चार आदमी उनके घर परिवार के हो जाते हैं तो उनको लेबर भाव से लगानी नहीं पड़ेगी और एक आध दो रिश्तेदार मिला लिए तो सारी चीज़ें उनके अपना हो गया। अब वो अपनी मेहनत अच्छी तरह करते हैं और वो अपना काम निकाल करके अपना प्रॉफिट ज़्यादा नहीं बचता तो वो अपना एवरेज मान के चलते हैं कि हमारी दिहाड़ी तो बची ही जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से वो लोग इसको काम को कर देते हैं। लेकिन आप लोग अगर इस काम को करोगे तो आप तो बाहर से लेबर मंगाएंगे और आजकल आप जानते हो कि लेबर का खर्चा, लेबर के नखरे, लेबर काम कितना करती है, लेबर को आएगी तो उसके लिए किराया भी चाहिए, एक टाइम या दो टाइम की चाय भी चाहिए। तो दोस्तों, आपके लिए ये खर्चा बहुत महंगा पड़ता है क्योंकि मैं इन चीज़ों को जानता हूँ। कवर्ड एरिया में जो काम करते हैं हम, उसमें आपको बचने के मामले में कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि अगर हम इसके अंदर चलो स्क्वायर फिट में या कवर्ड एरिया में काम ले भी लेते हैं, नए लोग चलो कि काम बनाने के लिए कि अच्छा काम करेंगे तो फिर भी कुछ सिस्टम हो जाएगा, तो ये चीज़ें आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको क्या काम करना चाहिए, इसके लिए विशेष पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जितना भी आपका कवर्ड एरिया होता है, यानी कि मान के चलो एक बिल्डिंग का एरिया 1000 फुट है तो 1000 फिट का एरिया आप कवर्ड मान के चलें, उसके अंदर आपका जो छज्जा होता है उसकी पूरी पैमाइश लें, मतलब छज्जे का लास्ट कॉर्नर से पीछे की लास्ट दीवार तक का आप जो होती है आपकी जितनी छत डलती है पूरी छत का आप कवर्ड एरिया पूरा पैमाइश करें। क्योंकि इसके लिए बहुत सारे लोगों ने क्या सिस्टम कर दिया है कि अरे यार इसको तो इतना कर दो, इसको छज्जा नहीं नपेगा। बहुत सारे लोग कह देते हैं, कह दिया कि अरे इसको आधा छज्जा ले लेना। अरे जब आपने सेटरिंग पूरी लगाई है तो आपका आधा का मतलब क्या होता है? तो मैं कहता हूँ कि आपको पूरी पैमाइश लेनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, आप लोगों को कभी भी ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि एक जो नीचे का काम होता है
पहला जो गेट हो गया, गेट की बाउंड्री वॉल हो गई, गेट का रैंप हो गया, और जो छज्जा है उससे आगे जो फ्लोर है आपका, जैसे आगे का आपका जितना एरिया आपने नापा है उससे आगे का जितना एरिया हो गया, उसकी रोड़ी डालना, उसके कच्ची रोड़ी कूटना, तो ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा होती है। दूसरा आपका जो एक सेफ्टी टैंक होता है वो भी आपका एक्स्ट्रा होता है, एक आपका पानी का टैंक होता है वो भी आपका एक्स्ट्रा होता है, और ऊपर आते हैं तो हमारा पैराफिट जो होता है वो भी एक्स्ट्रा आता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा आती है। एक आपका अंदर का पलस्तर इसी के अंदर होता है, लेकिन इसके अंदर जो बाहर बिल्डिंग का बाहर का जो पलस्तर होता है वो एक्स्ट्रा होता है। अगर सामने फ्रंट पे कोई अगर डिजाइन हो गया, डिजाइन बनाया, तो वो भी आपका एक्स्ट्रा होता है। तो दोस्तों ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक्स्ट्रा लेनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से ठेकेदार हो और आप ये काम करते हो तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 2022 के अंदर रेट इतनी बढ़ चुकी है लेबर और मिस्त्रियों की। लेबर आपको एवरेज 500 रुपये से कम नहीं मिलेगी और किराया लगा के 550 रुपये हो सकती है। मिस्त्री भी आपका कम से कम मान के चलो 700 रुपये लेता है, 700 रुपये में किराया एक्स्ट्रा जोड़ेगा। अगर हो सकता है आपकी जगह पे कम हो सकता है, लेबर मिस्त्री का चार्ज ज़्यादा हो सकता है, तो ये बातें आप अपने तरीके से सोच लें और अपने तरीके से काम लें। अब आती है आपका स्क्वायर फिट में लेबर रेट में क्या वो लेना चाहिए। तो दोस्तों मेटेरियल वगैरह सारी चीज़ें देख के अब मैं मान के चलता हूँ कम से कम आपको एवरेज लगाना चाहिए कि अगर माल मेटेरियल बिल्कुल नज़दीक है तो आपको 200-225 से कम नहीं लेना चाहिए, अगर मेटेरियल दूर है तो आपको 250 रुपये से ऊपर लेना चाहिए। और इसके अंदर अगर आपकी इसके अंदर बेसमेंट है तो दोस्तों बेसमेंट का आपको 350 रुपये कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि बेसमेंट के अंदर RCC बॉल होती है, नीचे राफ्ट की रोड़ी डलती है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें मैनेज करनी पड़ती है। तो ये रेट आपको ज़रूर 300-350 रुपये से कम नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।